लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुना है अजय श्रीधर के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जा रही है? जब आप सब जानते हैं तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? सर, तो फिर पुलिस इस पर क्या एक्शन लेगी? नो कमेंट्स। सर, पुलिस ने पहले तो अजय श्रीधर को बचाने की कोशिश की और अब उनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाया जा रहा है। नो कमेंट्स। अजय सर, चला दीजिए सर। तो अपना गेम तूने शुरू ही कर दिया। मीडिया का प्रेशर डाल के तुम इंक्वायरी कमीशन तो बिठा सकते हो। मीडिया के बारे में मुझको ब्लेम मत करिए सर। आई नो होम मिनिस्टर के पास जाके तुमने मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया है, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो पटनायक, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना, अजय का क्या होगा वो तो मुझे पता है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते तुम्हारा क्या होगा। अभी अभी ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि अजय श्रीधर की पत्नी अंशिता और उनके भाई संजय की मौत हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। बताया जा रहा है कि अजय श्रीधर ने खुद षड्यंत्र करके उनका कत्ल कर दिया। होम सेक्रेटरी ने उनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाने का फैसला किया है, जिससे एक बार फिर अजय श्रीधर सवालों के घेरों में पड़ जाएंगे। पापा। और अब हम आपको होम मिनिस्टर के बेटा क्या हुआ बेटा पापा, क्या हुआ? मुझे छोड़ के जा रहे हो क्या? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुझे हुआ क्या? पापा, अब जेल जा रहे हो क्या? किसने कहा? मेरे एक दोस्त ने। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब प्लीज मत जाना। नहीं बेटा। अजय, हम जानते हैं तुम किस मेंटल स्टेज से गुजर रहे हो, लेकिन प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। हमें उम्मीद है इस इंक्वायरी में तुम हमें पूरा सहयोग दोगे। इस केस के मद्देनजर आपके ऊपर कुछ चार्जेस हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विनय पटनायक का मानना है कि आपको अपने कजिन और बीवी के अफेयर के बारे में पहले से मालूम था। प्लान उन्होंने नहीं, आपने बनाया। इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। अपने बयान में आपने मर्डर को सेल्फ डिफेंस कहकर पुलिस और कानून दोनों को गुमराह किया है। गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। विनय। यस सर। अजय, एक बात बताइए, आप चल सकते हैं? ये किस तरह का सवाल है विनय? हम सब जानते हैं कि अजय चल नहीं सकता, फिर ऐसा सवाल पूछकर तुम? सर, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, ओनली यस टू से यस और नो। मैं नहीं चल सकता। तो जब आपने गोली चलाई, आपके और उनके बीच में करीब इतना फासला रहा होगा? थोड़ा पीछे। करीब इतना? तो आप बेडरूम से व्हीलचेयर पे बैठे बैठे बाहर आए, उन्होंने आपको देखा, उन्होंने आप पर गोली चलाई, आपने डक किया, गोली व्हीलचेयर की बैक को फाड़ते बाहर निकल गई, राइट। फिर आपने पिस्तौल ड्रॉअर से निकाली, उन दोनों पे गोली चलाई इसी व्हीलचेयर पे बैठे बैठे, एंड दे डाइड, राइट। होल्ड ऑन। यहाँ पर अजय कुर्सी पर है, दो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ से अगर गोली चलती है तो ये कुछ इस तरह से जाएगी ऊपर की तरफ, ऑलमोस्ट 45 degrees। संजय को जो गोली लगी थी उसका मूवमेंट कुछ इसी तरह का है ऊपर की तरफ। नाउ, इनकी बीवी को जो गोली लगी थी उसका एंगल पैरेलल है, पैरेलल टू द ग्राउंड, 180 degrees। और ये तभी हो सकता है
जब आदमी खड़ा होकर गोली मारे। वुड यू एक्सप्लेन मी दिस मिस्टर अजय? इससे पहले मैं अपने रिवॉल्वर तक पहुंचता, मेरे हाथ में जो आया मैंने उस पर फेंका और इसी तरह वो भी अपने घुटनों पर आ गई। तब मैंने गोली चलाई। 180 डिग्रीज पैरेलल, राइट? ये बात तुमने अपने बयान में पहले नहीं कही। जब तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा हो तब तुम्हें क्या याद रहेगा? क्या फेंका था? डॉल्फिन्स, शोपीस। एनी मोर क्वेश्चंस? नो मोर क्वेश्चंस। सर, मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाने वाला था, लेकिन जब तक आप लोग मुझे क्लीन चिट नहीं देंगे मैं यहीं रुकूंगा। आई एम सरेंडरिंग माय पासपोर्ट। पापा, आर यू ओके? हाँ बेटा। यश, आपका होमवर्क बाकी है ना? हाँ। आप जाके कर लो। समझ में नहीं आता दादा ऐसे कैसे सोचते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनसे बात करूंगी। I'm so sorry. Close up. आगे पीछे दोनों तरफ के, और जिस कमरे में क्राइम हुआ है उस कमरे के एक एक कोने के फोटोग्राफ। अपना दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो, उसको आराम करने दो। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, और सुबह तक सारे फोटोग्राफ मेरे डेस्क पे चाहिए। एनी डाउट? Bloody dumb-headed creatures, I tell you. दादा ये ड्यूटी नहीं है, कुछ और है। सब लोग मुझे कहते थे पर मैं मानती नहीं थी, लेकिन अब तो लग रहा है कि आप। क्या लग रहा है? मैं उससे जलस हूं? डिपार्टमेंट में उसकी जगह चाहिए मुझे? मैं उसे दुश्मनी निकाल रहा हूं? क्या लग रहा है तुमको? दिस इज अ ब्लडी केस ऑफ प्लान मर्डर। व्हाई कांट यू सी दिस? अंधे हो गए हो आप लोग? आप चाहते हो बेबी आपकी हामी रहूं? हाउ कैन यू से दैट? क्या सबूत है आपके पास कि वो मर्डरर है? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो बेकसूर है? दादा आई एम अ लॉयर, मैंने ये केस को स्टडी किया है। यू आर मेकिंग अ केस आउट ऑफ नथिंग। और इतने सालों साथ रहने के बावजूद आप अजय को समझ नहीं पाए जो मैं थोड़े दिन में समझ गई हूँ। समझ गई हो, एक्सलेंट। आदमियों की समझ के बारे में बहुत ज्यादा बात मत करो तो अच्छा है। अविनाश के बारे में तुम्हारी समझ को क्या हो गया? तब घास चढ़ने चली गई तुम्हारी समझ? दादा प्लीज। मैं कहता रहा राधिका ये ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। डोंट मैरी हिम, डोंट मैरी हिम। नहीं दादा, आई नो हिम, ही इज नाइस गाय, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही अंडरस्टैंड्स यू। छोड़ के चला गया, सारी जिंदगी खराब कर दी तुम्हारी, फिर भी आदमियों की समझ के बारे में बात करती हो तुम? क्या फेंका था? डॉल्फिन्स। ये पीस था? या तुमने उस दिन कहा था कि ये पीस तुमने उसको फेंक के मारा था और उसने डक किया,
अगर फेंक के मारा था तो एक तो उसको टूट जाना चाहिए था, दूसरा इस समय ये पीस यहां पर क्यों है? पास ऐसे दो थे तो ये मर्डर स्पॉट पर क्यों नहीं मिला? मुझे तो डाइनिंग टेबल के नीचे मिले, लगता है तुमने ठीक तरह से देखा नहीं। और संभाल के रखा है इसको? दीज डॉल्फिन्स सेव माई लाइफ। एनी मोर क्वेश्चन? नो मोर क्वेश्चंस। अजय को इस खेल में हराना आसान नहीं था, मुझे सॉलिड एविडेंस की जरूरत थी। आई हैड टू थिंक लाइक अजय। अजय ने अंशिता और संजय को यकीन दिला दिया था कि ये प्लान फूल प्रूफ है। प्लान फूल प्रूफ था, पर उनके लिए नहीं, अजय के लिए। आई थिंक स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अजय ने हर जगह संजय और अंशिता को भेजा था ताकि इन्वेस्टिगेट करते समय हम अजय तक ना पहुंच सके। ये गन कहां से मिली इसका पता लगाना होगा। चलने की तैयारी करो, हमें अरेस्ट के लिए जाना है। कहाँ जाना है? विनय अंकल आप? यस, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कितने दिनों बाद आए? एक मिनट। पापा पापा, विनय अंकल आए। बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। कम यश। अजय आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, वारंट है हमारे पास। यू कांट डू दैट। मैं जानती थी आप कभी भी ऐसा कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल। तुमने प्रैक्टिस फिर से कब शुरू कर दी? अभी से। दादा आपको जो सही लग रहा है वो आप करें, और इनके लॉयर होने के नाते मुझे जो सही लग रहा है वो मैं करूंगी। I'll see you in court. See you in court. Okay. शुरू करने से पहले प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, इस बात को ध्यान में रखें
कि एक स्पीडी ट्रायल है, इसीलिए इस अदालत के समय का ख्याल रखा जाए। प्रोसिक्यूशन प्लीज प्रोसीड। डॉक्टर सिद्दीकी, सीधे पॉइंट पर आता हूं। आपके इतने अच्छे इलाज और इनकी इतनी स्ट्रांग विल पावर के बावजूद ये चल नहीं सकते? ये जरूरी नहीं कि सिर्फ विल पावर की वजह से पेशेंट चल पाए, और ये भी जरूरी नहीं कि आदमी चले और डॉक्टर को बताए। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता। देखिए योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने वो गवाह पेश करूंगा जो ये साबित करेगा कि अजय श्रीधर चल सकते हैं, और वो है सीशेल बिल्डिंग का वॉचमैन माधव गजानन। चौबीस जुलाई को फ्लैट नंबर 203 में जो आदमी घुसा था वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। जरा ध्यान से देखो। नहीं सर, वो नहीं है यहां। क्या बात करते हो तुम, क्या वो आदमी ये नहीं है? वो ये नहीं है। ध्यान से देखो, ये था वो। हाँ, ये तो वही आदमी है जो उस दिन आया था बिल्डिंग में। थैंक यू गजन। साहब आप 203 में गए थे ना सर? 302। आप तो 203 में गए थे साहब। जोरा जरा गौर से देखिए, वो अजय श्रीधर जो भेष बदलने में माहिर है और जो भेष बदलकर किसी को भी बेवकूफ बना सकता है, इसलिए इसे इसके डिपार्टमेंट में मास्टर ऑफ डिस्गाइज भी कहते हैं। आप भी देखिए प्लीज, आपको तसल्ली होगी। योर ऑनर, अजय श्रीधर ने अब तक जितने भी भेष बदले और जितने भेष बदल सकता है उन सबके हमने स्केचेस बनवाए। गजानन के मुताबिक 24 जुलाई की रात को सीशेल बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 203 में अजय श्रीधर को खुद अपने पांव पर चलते हुए अंदर घुसते हुए देखा। ये फ्लैट अजय के कजन संजय का है जिसका उसी रात खून हो गया था। मेरा मकसद सिर्फ ये साबित करने का है कि अजय श्रीधर खुद अपने पांव पर चलकर वहां गया था। That's all, Your Honor. गजानन जी, 24 जुलाई को आपने क्या इसी आदमी को देखा था अपनी बिल्डिंग के अंदर जाते हुए? मैडम, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं, एक बार जिसका चेहरा देख लूं कभी नहीं भूलता। ये वही आदमी है जो 24 तारीख को हाथ में छड़ी लिए हुए बिल्डिंग में आया था। आप एक बार पूछो या हजार बार, मैं तो वही जवाब दूंगा ना। जिसे ये बता रहे कि अजय है, वो असल में संजय वर्मा है। अब इनकी बात माने तो संजय वर्मा 24 जुलाई को अपना ही हुलिया बदल के अपनी ही बिल्डिंग में क्यों गया? आप ही देख लीजिए ना एक बार निगम साहब, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या मजाक है? ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेके गवाह को बरगलाने की कोशिश है। नो योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन टेक्नोलॉजी का उल्टा सीधा इस्तेमाल करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मैं गवाह पेश करना चाहूंगी जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, मिस्टर विनय पटनायक।
मिस्टर विनय पटनायक, क्या ये सच है कि कमिश्नर साहब ने आपसे ये केस वापस लेके सीनियर इंस्पेक्टर डिसूजा को दिया था? जी ये सच है। क्या ये भी सच है कि कमिश्नर के मना करने के बाद भी आपने इस केस पे काम बंद नहीं किया? कमिश्नर साहब के मना करने के बाद मेरे पास काम करने के लिए कुछ बचता नहीं है। क्यों, आप मीडिया को फोन कर सकते थे, कमिश्नर पर प्रेशर डाल सकते थे? नहीं। या ऑनर, ये रहे इनके फोन बिल्स की डिटेल्स। जिस दिन ये केस डिसूजा को दिया गया था उसी रात उन्होंने 3TV को फोन किया और एक इंक्वायरी कमेटी बनवाई और फिर खुद ये कमेटी के इंचार्ज बन गए। आप मिस्टर अजय श्रीधर को कब से जानते हैं? बहुत सालों से। और आपकी दुश्मनी कितनी पुरानी? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमेशा से मेरे दोस्त थे, आज भी मेरे दोस्त हैं। मेरे लिए इतने अच्छे दोस्त थे कि आपसे इनकी तरक्की देखी नहीं गई। आप दोनों ने हमेशा एक सी मेहनत की, पर क्रेडिट मिला हर बार आपके दोस्त अजय श्रीधर को। आप दोनों ने मुजरिमों को एक साथ पकड़ा, पर मीडिया हाइप मिली अजय श्रीधर को। अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आप दोनों ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, पर मेडल के लिए रिकमेंडेशन हुआ अजय श्रीधर का। हाँ तो he must be deserving। और मैं कभी मीडिया सेवी नहीं रहा हूँ, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। मगर ये नहीं जानती थी कि आप अजय श्रीधर से इतना जलते हैं। आप हमेशा मौका ढूंढते थे अजय श्रीधर को नीचा दिखाने के लिए, और जैसे ही आपको ऐसा मौका मिला आपने मौके का फायदा उठा के अजय को फ्रेम किया। तुमको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुमको लगता है राधिका मैं ऐसा कर सकता हूँ? Excuse me, let me finish। नहीं, तुमको अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुमको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुमको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, objection, ये गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, मुझे उसे डिफेंस में कुछ नहीं कहना है, ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। Can I have order in my court, please? I will not tolerate misbehavior. Yes, you may proceed, Your Honor. पूरा मीडिया, पूरा डिपार्टमेंट ये जानता है कि अजय और विनय के बीच डिफरेंसेस थे। आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे बीच में ऐसे कोई डिफरेंसेस नहीं थे। सच, he has been a hot-headed and impulsive officer, foolishly daring, I must say, जिस बात को मैंने कभी अप्रूव नहीं किया है और इसी वजह से इनको गोली लगी है। इसको अगर आप डिफरेंस कहना चाहती है आप डिफरेंस कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा आपने, hot-headed और impulsive? Your Honor, अगर अजय सचमुच हॉट हेडेड और इम्पल्सिव है तो ये कोल्ड ब्लडेड और प्रीमेडिटेटेड मर्डर कभी कर ही नहीं सकते। फिर तो वो गुस्से में आके उसी वक्त तुम दोनों को मार देते। करे थैंक यू मिस्टर पटनायक, दैट्स ऑल योर ऑनर। लगाओ, लगाओ, खाना लगाओ, खाना लगाओ, तुम ही खाओ, हमें तो भूख नहीं है। आप खा लीजिए दादा, सुबह भी आपने लंच नहीं किया था। लंच तुम खाओ, तुम्हें खाने की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें काम करना है, कोर्ट में जाना है, बहस करनी है, केस लड़ने हैं, गलत को सही साबित करने की दलीलें तैयार करनी है, भाई को जलील करना है, उसको गलत साबित करना है, तुम खाओ। दादा, ये केस में किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ अजय को सही साबित करने के लिए लड़ रही हूँ। अरे मुझे लगता है बहुत स्ट्रेस्ड हो, अब खाना खा के जल्दी सो जाइए। हाँ मैं सोऊंगा, आराम से सोऊंगा, बहुत दिनों तक सोऊंगा, जिस दिन मैं गलत को गलत साबित कर दूंगा उस दिन सोऊंगा। फिर तो दादा आपको बहुत दिन जागना पड़ेगा। इस आदमी को पहचानते हो? Yes. ये बताओ है कितने की? 5 पेटी। लेकिन अजय भैया ने तो कहा था 4 लाख। और अजय नहीं, वो एंथनी ने कहा था कि 4 लाख लगेंगे और अब तुम 5 लाख बोल रहे हो। अजय साहब का नाम सुनते ही अपुन को डाउट हुआ, तो अपुन ने इसकी आवाज माइक्रोफोन पे सुनी। भैया वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे। इस बात से अपुन को 2 बात समझ में आई साहब। एक तो वो अजय साहब से बात कर रहा था, दूसरे अजय साहब अपुन को एंथोनी की आवाज में फोन किया, और ये बात कंफर्म करने के लिए जब अपुन ने एंथोनी को फोन किया तो मालूम ये पड़ा कि एंथोनी ने तो अपुन को फोन किया ही नहीं था। इस बात से अपुन को पक्का यकीन हो गया साहब कि ये फोन एंथोनी की आवाज में अजय साहब का था।
मिस्टर डिकॉस्टा, आप 4 साल पहले जेल गए थे, 2 साल के लिए, करेक्ट? यस मैम। आपको जेल किसने भेजा था? मिस्टर डिकॉस्टा, आपको जेल किसने भेजा था? मिस्टर अजय ने। जेल जाने से पहले आपने अजय साहब को धमकी दी थी? नहीं, वो झूठ मत बोलिए मिस्टर डिकॉस्टा, क्योंकि कोर्ट में वो दोनों लोग मौजूद हैं जिनके सामने आपने धमकी दी थी। गुस्से में निकल गया होगा मैम। आपने क्या कहा था? यही कि अपुन तेरे को देख लेगा। और आज मौका मिलते ही आपने देख लिया। जैसे ही इन पे मर्डर का इल्जाम लगा, आप अदालत पहुंच गए सरकारी गवाह बनके, ताकि अपना बदला ले सके। क्या बात कर रही है मैडम? मैं ठीक बात कर रही हूँ मिस्टर डिकॉस्टा। योर ऑनर, कितनी अजीब बात है कि हम एक मामूली से क्रिमिनल की बात सुनने को तैयार हैं और एक पुलिस ऑफिसर के सारे मेडल्स भूल रहे हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं लाइट डिटेक्शन टेस्ट चाहता हूँ। 2 मिनट में फैसला हो जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। क्यों, ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं जानती हूँ मेरे क्लाइंट सच बोल रहे हैं, इसलिए मुझे और मेरे क्लाइंट को कोई एतराज नहीं है। लेट्स हैव द लाइट डिटेक्शन टेस्ट। परमिशन फॉर लाइट डिटेक्टर टेस्ट ग्रांटेड। आई एम रेडी, प्लीज प्रोसीड। क्या आप चल सकते हैं? नो। क्या आपको अंशिता और संजय के अफेयर के बारे में पहले से पता था? नो। क्या आपने प्लान करके मर्डर किया? नो। रिपीट द क्वेश्चन। क्या आपने प्लान करके मर्डर किया? नो। मिस्टर निगम, आपने सही कहा था, 2 ही मिनट तो लगा सच और झूठ जानने में। तुझे पता है ना सावंत, क्या खेल खेला जा रहा है? सर मुझे ये जब कानून जानने वाला आदमी कानून को तोड़ने की कोशिश करता है। सर ये उसको नेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पी पी स्कॉच है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि तुझे क्या नहीं लगता? तू जानता है मैं जानता हूँ? तू जानता कि मैं जानता हूँ? तू जानता कि मैं जानता हूँ? आप सर लाई डिटेक्टिंग मशीन होती है ना, इसको चीट किया जा सकता है। लेकिन सर मशीन के सामने आदमी तो अरे मशीन मशीन है, आदमी आदमी है, मशीन को आदमी ने बनाया। उसे बहुत से क्रिमिनल्स को देखा है, उसे स्टडी की है मशीन की, उसने 1 महीना 1 हफ्ता प्रैक्टिस किया झूठ बोलने का, वो झूठ बोल रहा है। Did you kill your wife? No. वो सब ठीक है सर, लेकिन अजय सर चल नहीं सकते। अजय चल नहीं सकता? तू जानता कि मैं जानता हूं? मैंने वर्षों काम किया उसके साथ, मैं जानता हूं उसको। वो चल सकता है? वो झूठ बोल रहा है। वो चल सकता है कि नहीं चल सकता? वो चल सकता है कि नहीं चल सकता? चल सकता है?
सिट डाउन। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की सारी दलीलें सुनने के बाद, सारे सबूतों और गवाहों को देखने के बाद, ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अजय श्रीधर पर लगाए हुए इल्जाम बेबुनियाद हैं। ये कोर्ट अजय श्रीधर को बाइज्जत बरी करती है। Congratulations. Court is adjourned. अगर हम ये प्रूव कर पाते कि चल सकता है तो रिजल्ट कुछ और ही होता। Anyway, ठीक है मुझे पता है तुम चल सकते हो एंड आई विल प्रूव इट। ये चल सकता है? ठीक है, आई नो ही कैन वॉक। ये झूठ है। आई नो ही कैन वॉक। मुझे पता है यू कैन वॉक। ही कैन वॉक। ही कैन वॉक। ये झूठ है। मुझे पता है अजय, मुझे पता है यू कैन वॉक। तू चल सकता है। तो मेरे बिना तेरी चलती नहीं है। मेरे बिना यू आर यूजलेस। मेरे बिना तो बिल्कुल बेकार है। तुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तुझे खड़ा होना है। दिस इज माय ऑर्डर। मैं गलत कैसे हो गया? शायद मैं पुलिस में रहने के काबिल नहीं। एक्शन लेने की बात कह रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जिस पुलिस डिपार्टमेंट में आपने सालों काम किया, वही लोग आपके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है सर? बोलिए सर, बोलिए सर, आप इस्तीफा देंगे? ये देखिए सर, इसको। हेलो सर, आप इन्हें को छोड़ दीजिए। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम सर। लेकिन अजय, उसने भरी अदालत में सबके सामने सर, उसने वही किया जो उसे राइट लगा। और अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। थैंक यू सर। विनय, अजय सर ने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया था। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए, और साथ में ये भी कहा है कि विनय जैसे पुलिस ऑफिसर की ज़रूरत है इस पुलिस फोर्स को। राधिका उन्हें एयरपोर्ट लेकर जा रही है। अगले एक घंटे में उनकी फ्लाइट है, वो अमेरिका जा रहे हैं। चले, फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं।
अजय, बहुत बड़ी भूल हो गई यार। तू तो शायद मुझे माफ भी कर देगा, लेकिन मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगा मुझे नहीं पता। फकीर मी माय ब्रदर। विनय, जो मैं कहना चाहता हूं वो सब इसमें लिखा है। विनय, तुम सही थे। मैं अंशिता और संजय के अफेयर के बारे में जान चुका था। मैंने प्लान करके उन दोनों का मर्डर किया। तुम सोचते होगे कि अब ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। सच कहूं तो मुझे उन दोनों के मरने का अफसोस नहीं है। अगर कोर्ट में तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सका, I know, he can walk. गलत मैं था, तुम सही होते हुए भी कोर्ट में गलत साबित कर दिए गए। I'm sorry, विनय। मर्डर करने के बाद अपने आप को कानून के हवाले कर देता अगर यश मेरी जिंदगी में ना होता। अपने बच्चे के लिए इस पाप का जीतना जरूरी था। मैं अंशिता को बेवफाई के लिए माफ भी कर देता, मगर जब मैंने खुद को मारने की बात की दोनों आसानी से तैयार हो गए। तब भी मुझे लगा अंशिता मुझे मार नहीं सकती, लेकिन जब गोली चलाते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे, तब मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। और अब मैं वही कर रहा हूं जो मुझे सही लग रहा है, अपने दोस्त को सच बताकर। पहली बार अपने उसूलों से हटकर मैंने फैसला किया, जाने दिया उसको। कभी कभी जिंदगी की कड़वी सच्चाई कानून, सबूत, हालात, इन सब से परे होती है। इस बात का एहसास मुझे पहली बार हुआ। मुझे जो राइट लगा मैंने किया।